माँ की आँख क्या था ये गुरु। मैं अभी अभी किल मूवी देखकर आ रहा हूँ और भाई ये मूवी इतनी ज्यादा ब्रूटल है, मजा आ गया भाई मुझे तो। मतलब गुरु इस मूवी को देखने के बाद माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आ रहा है कि सच में बॉलीवुड बनी मूवी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बॉलीवुड इस टाइप का भी ब्रूटैलिटी दिखा सकता है, क्योंकि यार बॉलीवुड ने कुछ टाइम से इतना डिसअपॉइंट कर रखा है ना। मतलब अब उम्मीद लगाना हमने छोड़ ही दिया कि इससे भी कुछ अच्छा माल निकल सकता है, मगर भाई बॉलीवुड ने हम लोगों को गलत साबित कर दिया और एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी दिखा दी। तो चलो डिटेल में बात करते हैं इस मूवी के बारे में। गुरु इस मूवी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम होता है कैप्टन अमृत राठौर और वो एक एनएसजी कमांडो है। तो गुरु मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा देता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी क्या है और कैसे एक्शन होने वाला है, बाकी तुमको जाके एक बार जरूर देखना चाहिए इस मूवी को, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। अमृत राठौर की गर्लफ्रेंड ट्रेन में जा रही होती है अपनी फैमिली के साथ और अमृत उनको सरप्राइज देने के लिए उस ट्रेन में आ जाता है और उस ट्रेन में चढ़े जाते हैं डकैत। और डकैत नहीं भाई, डकैतों का परिवार, मतलब पूरे कुनबा है इनका भाई, पूरे सारे एक ही खानदान के है, मामा चाचा ताया पुपा। मूवी देखने पर तो यही लगा यार इन डकैतों का ना खानदानी काम यही है भाई, क्योंकि इनकी जो नॉर्मल डकैतों वाली नहीं थी, ये फुल प्लानिंग के साथ आए थे। और उसके बाद कमांडो भैया लग जाते हैं इन सबको रोकने के लिए, सिर्फ रोकने के लिए, क्योंकि इंटरवल से पहले तक तो उनका काम सिर्फ रोकना होता है, मगर इंटरवल के बाद जो अपने वैश्यपन दिखाते हैं और जो उनके अंदर का एक एनिमल निकलता है, भाई मैं फैन हो गया इनके एक्शन का, जो इस मूवी में भरपूर दिखाया है। मतलब आप लोगों को कमी लगेगी नहीं इसके एक्शन में, क्योंकि यार पूरी मूवी एक्शन में निकल जाती है। गुरु जान का डर क्या होता है वो मुझे इस मूवी को देखकर पता लगा, क्योंकि इस बंदे ने ना ऐसी हालत कर दी थी डकैतों की, डकैत डरे हुए घूम रहे थे कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। उन डकैतों की जो हालत करती है ना इस बंदे ने, भाई मैं बता रहा हूँ डकैतों को ना पैर कांप गए अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर। और एक सीन में जब अपना कमांडो उस विलन के फेस पर चाकू लगा के पूरा चीर देता ना भाई, मेरी खुद की नजर नीचे चली गई थी यार, इतना ब्रूटल सीन था वो। और गुरु मैं राघव की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि यार इस बंदे ने क्या बेहतरीन एक्टिंग करी है इसमें यार। मतलब कोई कह सकता है कि ये बंदा कॉमेडी करता था यार, किसी के टाइम पे ये बंदा एंकर था। राघव की बात सुनकर आपको हंसी तो आएगी, मगर यार कहीं ना कहीं ये लगता भी है एक टाइम पे कि राघव साला है तो हरामी। बाकी ग्लैमर की भी इस मूवी में कमी नहीं है, क्योंकि तानिया मनिकतला ने यार अच्छा काम करा है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मगर इस मूवी को जाके जरूर देखना, क्योंकि इंटरवल के बाद ये मूवी नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है। तो गुरु जिसको कल की 2898 एडी मूवी का रिव्यू देखना है वो इस वीडियो पे क्लिक कर दो, और जिसको ये जानना है प्रोजेक्ट के क्या है वो इस वीडियो पे क्लिक कर दो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।